आज चैप्टर नंबर 4 और 5 को क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं केमिस्ट्री का। जैसा कि 4 का भी हमने आधा करवा ही दिया था, लेकिन उसके आधा बच गया था, तो हम सीरियल से चल रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी हम 23 नंबर चैप्टर तक क्वेश्चन सॉल्यूशन पहले कर लेंगे, फिर मजा आएगा। तो आप लोग कैसे हो, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, तो जल्दी से आप सब लोग एक बार लाइव आ जाइए, फटाफट क्लास की शुरुआत करते हैं जी। ठीक है, सब लोग रेडी हो ना? जी सर रेडी हैं। ओके, तो देखो जी, आज हम शुरुआत जिस चैप्टर का करने वाले हैं वो आपको यहां पे दिख रहा है, चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 रेडियोएक्टिविटी से रिलेटेड है। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, आपने कर भी लिए थे, और कहां तक मैंने कराए थे ये भी मैं बता देता हूं। आप क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये आपका हो चुका था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हम बात करते हैं थोड़ा सा। यस हाँ, अब देखो जी चैप्टर 5 की हम बात करेंगे। चलो अब देखो, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं गाइस, इसकी शुरुआत जब करें थे हम, तो चैप्टर नंबर 5 में हमने क्या किया था, आपका क्वेश्चन ये कर लिया था, रेडियोएक्टिविटी तत्व का अर्ध आयुकाल 10 वर्ष है, तो उस पदार्थ की जो 10 ग्राम मात्रा है कितने दिन में, कितने समय में 1.25 ग्राम हो जाएगी। याद है आप सबको ना, कितने समय में 1.25 ग्राम रह जाएगी साथियों, तो ये हमने कर दिया था। अब देखिए, इसके बाद जब क्वेश्चन था परमाणु भट्टी कृत्रिम रेडियोएक्टिविटी की खोज किसने की थी, शुरुआत यहीं से करते हैं कि गाइस जो हमारा कृत्रिम रेडियोएक्टिविटी थी उसकी खोज किसने की थी, जल्दी बताइए एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी हाँ, कृत्रिम जो रेडियो एक्टिविटी थी यानी आर्टिफिशियल हमारा रेडियो एक्टिविटी था उसकी खोज किसने की थी, आर्टिफिशियल की बात कर रहा है, आर्टिफिशियल कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी, वेकुरल, रदरफोर्ड, आई क्यूरी तथा जोलियट साहब ने, ये बताइए किसने किया था। देखो, आई क्यूरी और जोलियट ने जो था वह खोज किया था, किसका, आई क्यूरी और जोलियट ने किया था ओपन कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, क्या चला, आर्टिफिशियल जो है रेडियो एक्टिविटी की, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की क्या की थी, खोज की थी गाइस। क्लियर है, चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर तरफ हम बढ़ते हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि परमाणु भट्टी में से कितने, किसके निकलने से परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है, मतलब यह है इसमें से अल्फा बीटा गामा न्यूट्रॉन इनमें से कौन निकल जाए तो परमाणु संख्या, नाभिक में परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या जो है वह अपरिवर्तित रहता है जी। चलिए बताइए जरा कौन अपरिवर्तित रहता है, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से। ओके, तो देखिए जी बात ये यहां पे है, असली बात तो इसमें है कि किसका, किसके निकलने से कोई चेंजिंग नहीं होता है। अल्फा तो चेंज करेगा भाई साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बीटा भी करेगा, ठीक है, गामा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा जरा ये बताइए मुझे, हाँ गामा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये, हाँ बताइए। चलिए बहुत अच्छा, ओके जी जी बहुत अच्छा शानदार आप लोग आंसर दे रहे हैं, काहे गुस्सा रहे हो जी, चला इतना मत गुस्साया करो नजर लग जाएगी। ठीक है चलो, ओके बहुत अच्छी बात है। तो आप देखो जरा, सब लोग आंसर दे रहे हो सी 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 सर, गामा गामा गामा, देखो गामा जो है बिल्कुल गामा ही है, गामा बिल्कुल गधा ही है एक तरह से, गामा जो रेज है, गामा जो रेज है ना, गामा रे ये इसके निकलने से, एक तरीके से कहते हैं ना, जो एक गांव में जैसे किसी के घर में एक आध लड़के ऐसे होते हैं जो बेहा टाइप के होते हैं, बेहा टाइप समझ रहे हो, बेहा टाइप का मतलब ये हो गया कि घर पे रहें ना रहें, खाना खाएं ना खाएं,
किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी घर पे उसका कोई मतलब उसका प्रभाव कुछ नहीं है, जीरो है। ऐसे जो बेहया जो होते हैं, ऐसा लगता है चला सुन बबुआ सुन मैं क्या कह रहा हूं। तो ये बेहया टाइप का है, इसके निकलने ना निकलने से परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा सी ऑप्शन इज अ राइट, गामा किरण ऐसी किरण है जिसके निकलने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब चलो बात करते हैं जी, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती, हमने कहा जो आयनीकरण क्षमता है, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक, मैक्सिमम आयोनाइजेशन कैपेसिटी इज वेरी वेरी हाई, किसमें होती है गाइस, अल्फा कणों में, बीटा कणों में चला, या गामा कणों की, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए हैं, हाँ बहुत अच्छा। कौन है जी प्यार और मोहब्बत की बात कर रहा है, हाँ? कोई नहीं करेगा इसकी बात, ठीक है। अल्फा की अधिक होती है सर, इसका थियोरी वीडियो एप में लगा है, अगर तुमने पढ़ा है तो पता होगा जरूर तुम्हें कि आयोनाइजेशन क्षमता किसकी अधिक होती है। देखो भाई, जैसे अल्फा कण जब टकराएगा किसी से तोड़ देगा, बीटा थोड़ा कम, गामा एकदम नहीं के बराबर, तो जो अल्फा पार्टिकल है गाइस, इसको अल्फा कण कहते हैं, अल्फा पार्टिकल है, हिंदी में अल्फा कण कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। तो गाइज हम बात करें तो जो ये अल्फा कण है इसकी जो आयनीकरण क्षमता ज्यादा होती है, ऐसे अल्फा की ज्यादा होती है, बीटा की इससे कम, गामा की उससे कम। ये एक सीरीज है आयनीकरण क्षमता की दर्शाने का, क्या है यह एक मैंने सीरीज बता रखा है कि इससे आप आयनीकरण क्षमता को दर्शा सकते हो, चेला स्वाहा, ठीक है। कोनो प्रॉब्लम है नहीं ना, हाँ बहुत अच्छा चेला लोग, इसमें तो भोज खा रहे होगे खूब तुम लोग, लगन खत्म हो गया कि चल रहा है अभी, और अभी है खत्म होने वाला, लगन खत्म होने वाला होगा, इतना सही बनाया लगन ठीक है ठीक है। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तुम खोजो, एपीएम लगाए हैं, ले जाके समुद्र के किनारे नहीं लगाए हैं कि नहीं मिलेगा। यस सर, क्या प्रॉब्लम है जी, गधा कौन है जी, सुशांत बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन देखना, चला अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये कह रहा है कि प्रयोगशाला में जो नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती, क्योंकि प्रयोगशाला में जो नाभिकीय संलयन की बात करे यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करे, ये हम प्रयोग नहीं करते। देखो इसका एक ही रीजन होता है, देखो हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, खुद 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 सोचो तुम कि हमें हाई टेम्परेचर चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए, हमें चला न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए वी हैव नीड ऑफ हाई टेम्परेचर, हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, क्या चाहिए। अगर हम प्रयोगशाला में हाई टेम्परेचर यूज करने लगे, प्रयोगशाला ब्लास्ट मार जाएगा, प्रयोगशाला खत्म, धुआं धुआं हो गया सर, हम तो धुआं धुआं कर दिए प्रयोग करके। तो भाई साहब हमें प्रयोगशाला में हाई टेम्परेचर की व्यवस्था थोड़ी ना कर पाएंगे जी, अब न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, क्या चाहिए, हाँ हमें हाई टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रयोगशाला में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, प्रयोगशाला में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसे हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की। आज से याद रहेगा अचेला, बोलो याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा कि नहीं तुम्हारे तस्वीर के सहारे मौसम कहीं गुजारे, कोई तुमसा नहीं
प्यार मोहब्बत करने वालों को मैं बताना चाहूँगा कि भाई साहब, समुद्र के जो किनारे हैं ना, आबादी नहीं होती। जिससे प्यार करोगे ना, उससे शादी नहीं होती। इसीलिए ध्यान रख के पढ़ाई कर लो, ठीक है? बहुत अच्छा, क्या कर लो? पढ़ाई कर लो। अब देखो, तो देखो दाब वाला मैटर तो है ना, दाब मेंटेन कर लेंगे, आयतन की मेंटेन, ये अत्यधिक टेम्परेचर वाला ये नहीं कर पाते, इसीलिए हम नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं कर सकते प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में। तो पॉइंट भी क्लियर गाइस। अब देखिए जी, रेशवा एकेडमी ऐप पे आप लाइव हैं। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ नाभिक की अर्ध आयु काल जो है 44 दिन है। एक रेडियो एक्टिव नाभिक की जो अर्ध आयु काल है वह 44 दिन है, ठीक है? क्या है वह अर्ध आयु काल? 44 दिन है। इस नाभिक का एक ग्राम कितने दिन में कम होकर 125 मिलीग्राम, ध्यान से, ग्राम और मिलीग्राम में बहुत अंतर है। तो ये बोल रहा है कि मेरे दोस्त, एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयु काल 44 दिन है, इस नाभिक का एक ग्राम कितने दिन में कम होकर 125 मिलीग्राम रह जाएगा? या तो फार्मूला लगाओ, या तो आप बहुत आसानी से हमारे साथ कर सकते हो इसको। क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी देखो कैसे करेंगे, इस पहले सीख लो, कर ले जाओ। जैसे मान लो अर्ध आयु काल का मतलब अपने प्रारंभिक मात्रा का उतने दिन में आधा हो जाए, तो एक ग्राम को या तो मिलीग्राम में बदल लो, या तो मिलीग्राम को ग्राम में बदल लो। तो हम एक ग्राम को क्या करते हैं, मिलीग्राम में बदलते हैं। एक ग्राम में चला कितना मिलीग्राम? कौन बता रहा है कि एक ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं मेरे दोस्त? ये बता कौन रहा है, जल्दी से फास्ट कमेंट कर चेला। हाँ, बहुत मजा आ रहा सर, 132 132 132। चलो देखते हैं, 1000 mg 1000 mg, क्लियर है? सही है, 1000, बहुत अच्छा। तो एक ग्राम को हम 1000 लिख सकते हैं जी, लिख दिया मैंने 1000 mg mg। अब 1000 अगर एक अर्धायु काल मतलब 44 दिन लगाएंगे, तो 44 दिन बाद ये आधा हो जाएगा, 500 मिलीग्राम। फिर 500 मिलीग्राम में 44 दिन एक अर्ध आयु काल लगाएंगे, तो भाई साहब ये 250 मिलीग्राम हो जाएगा, 250 मिलीग्राम हो जाएगा। फिर 250 में एक और 44 दिन लगाएंगे, तो 125 मिलीग्राम हो जाएगा, मिलीग्राम, जो हमसे पूछा जा रहा था, जो हमसे पूछा जा रहा था 1000 से 125 मिलीग्राम करने में कैसे क्या करना है। मेरे साथी जरा ये बताओ, आप ध्यान से समझिएगा, मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने एक ग्राम को मिलीग्राम में बदला और बताया कि एक अर्ध आयु काल जो होता है उसका मतलब ये होता है कि उतने दिन में कोई नाभिकी जो हमारे रेडिएक्टिव नाभिक है उसकी जो मात्रा है वह विघटित होके आधा हो जाएगी। जैसे हम इसमें से किसी को पकड़ लेते हैं, यहाँ पे पुनीत कुमार है, मैं कहूँ पुनीत कुमार का अर्ध आयु काल 2 महीना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ। हाँ, इसका फार्मूला होता है भाई, इसका फार्मूला पे जाओगे तो लपटा जाओगे, कर नहीं पाओगे, कठिन हो जाए, इसलिए मैं फार्मूला पे नहीं बोलता हूं। ऐसे क्वेश्चन को यूं चुटकियों में किया करो यार, यूं करके, ठीक है? फार्मूले मत जाया करो। ओके, यस सर, फार्मूला पे जाना चाहते हो यार, बहुत लंबा जाओगे। एन की वैल्यू, एन बराबर एन जीरो, वन अपन टू पर एन, एन की वैल्यू निकालोगे, फिर टी हाफ, टी बराबर एन इंटू टी हाफ निकालोगे, बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है? इसका मतलब पुनीत 4 महीने चला जाएगा बेचारा? नहीं नहीं, इसका गधा ऐसा नहीं। देखो, इसका मतलब है आधा हो जाएगा, 20 दिन में, 2 महीना में आधा हो जाएगा, ये होता है, ठीक है? ओके, क्लियर है, ये होता है। एक बार और समझिए,
अब इसको फार्मूला से लगाना चाहते हो, देखो चलो इसको मिटाता हूँ, तुम लोग फार्मूला की हो तो भी सीख लो भाई, फार्मूला भी सीख लो। देखो फार्मूला जो होता है, एक होता है n बराबर n जीरो वन अपॉन टू टू दी पावर n, ये अंतिम बचा हुआ मात्रा है, n n जीरो क्या है प्रारंभिक मात्रा, तो मैंने इसको 1000 कर दिया है मिलीग्राम, ये बचा हुआ मात्रा 125 है ना, ध्यान देना 125 है, बटे में 1/2 n, तो इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू निकालनी है तुमको। तो देखो जी इसको इधर लाओ तो 125 बटे में 1000 हो जाएगा, इधर 1/2 टू दी पावर n बचेगा, बस इसको सॉल्व करो, आप n की वैल्यू लाओ, सॉल्व करो इसको जल्दी से, n की वैल्यू क्या आएगी गाइस, अरे भाई 1/8 इसको 1/8 लिख सकते हैं बहुत आसानी से, कट कुट करो तो पहले देखो 25 से जाएगा, 25 सौ का 100, 25 पच्चे 125, और देखो 25 सौ का 100 25 पच्चे 125 और 25 चौका 100 0, 5 एक कम 5, 5 वाठे 40 बच गया, ध्यान देना यहां पे बचा क्या मेरे दोस्त, 1/8 बच गया और इधर बचा है 1/2 टू दी पावर n, तो अगर हम 1/8 को भी 1/2 के घात के रूप में बदल लें तो देखो 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का घात 3 बराबर 1/2 का घात n। जब आपको पता है जब बेस बराबर हो गया, ये बेस बराबर हो गया तो घात भी आपस में बराबर हो गए, विच इंप्लाइज दैट n बराबर 3 निकल गया, मतलब n क्या है अर्ध आयुकालों की संख्या है, 3 अर्ध आयुकाल लगेंगे, ठीक है। अब देखो तो कुल लगने वाले दिन बराबर n गुणे 1 अर्ध आयुकाल की वैल्यू, तो n 3 है, 1 अर्ध आयुकाल की वैल्यू 44 है, चार तिहाई 12 एक 13, मतलब टोटल लगने वाला दिन 132 दिन आएगा, 132 दिन आ गया, आया कि नहीं चला बोलो, मामला सेट है कि नहीं सेट है, अगर मामला सेट है तो बोलिए, नहीं सेट है तो बोलिए, लेकिन आप बोलिए, मैं बस इतना ही चाहता हूं आप बोलिए, चेला बोलिए बोलिए, कोनो बात का गम नहीं होना चाहिए, जिंदगी में हर मुश्किल का मरहम होना चाहिए। अंकित बहुत मारेंगे गधा तुमको, दो मेथड समझाए हैं, तुम्हारा दिमाग घास करने चलने गया है, हैं? कहां दिमाग लगाए ओकरे पास, तो बोले हैं ना शायरी, समुद्र के किनारे आबादी नहीं होती, जकरा से प्यार करो शादी नहीं होती, कबर बोले, ये बहुत आसान है, आप एक बार प्रैक्टिस करिए। देखिए ये बची हुई मात्रा जो 125 मिलीग्राम, ये प्रारंभिक मात्रा, ये अर्ध आयुकालों की संख्या, बोलिए गाना मत सुनाओ 5 वाला, ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ध्यान देना, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, एक क्वेश्चन हमारा इधर है, किसी परमाणु से अगर बीटा कण का उत्सर्जन का मतलब क्या हुआ, किसी परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन का मतलब क्या हुआ, क्या बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, या नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, या नाभिक के न्यूट्रॉन का जो है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना, या नाभिक के प्रोटॉन का न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में बदलना, इसका मतलब हमें बताइए जरा। जी हाँ यस गाइस, फटाफट कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए सब लोग। मैं अपना डीपी चेंज कर ली, ओके गाइस फटाफट जरा बताइए मुझे, यस फटाफट कमेंट 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 छोड़ना नहीं है तुम लोग को, तो सब लोग सी पे जा रहे हो कि सर सी होगा, यानी नाभिक से
नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदलना यही कहलाता है। क्लियर है गाइस? बीटा कण का उत्सर्जन का मतलब यही हो गया, यही हो गया। अगला क्या है, बीटा कण को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जल्दी बताओ। बीटा कण को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बीटा कण, देखो जी बीटा को लिखते हैं ऐसे, बीटा कण को लिखते कैसे जल्दी बताओ फटाफट कमेंट। अरे यार बहुत आसान है यार, इट इज नॉट डिफिकल्ट गाइस, इट इज नॉट -1e^0। इसीलिए देखो ये ऐसा है, इसीलिए जब बीटा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु संख्या में एक की वृद्धि हो जाती है। परमाणु संख्या में क्या होती है, एक जुड़ जाता है और द्रव्यमान यानी परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है, जीरो वृद्धि होती है, नो चेंज, क्योंकि यहां ऊपर जीरो है, यही होता है। बीटा कण निकल रहा है, जब ये ससुरा द्रव्यमान लेके निकल ही नहीं रहा है, लेके जा ही नहीं रहा द्रव्यमान यहां से, तो द्रव्यमान में काहे की कमी काहे की वृद्धि है, जब इसके द्रव्यमान में कोई कमी वृद्धि नहीं है तो भाई साहब सिंपल सी बात है, समझ सकते हैं आप लोग, क्लियर है? यस सर, बहुत अच्छे, आगे चले। हाँ अब देखो अगला क्वेश्चन देखना, अगला जो 13 नंबर के क्वेश्चन है, कह रहा 88 रेडियम, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में है, चला एग्जाम में आएगा तो हल्का मचा के जाएगा। इतना मोटा क्या है लिखा रहे तुम यार, देखो 88 रेडियम क्या है, 226 है, कह रहा है कि एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर, अल्फा कण निकलने पर, अल्फा कण माइनस हो रहा है, उत्सर्जित होने पर नया परमाणु जो है किस समूह में उपस्थित होगा। देखो भाई रेडियम जो है सेकंड ए समूह का समूह है, फर्स्ट ए का नहीं है, रेडियम जो है वह सेकंड ए का है, ऐसे फर्स्ट ए होता है ना, फर्स्ट ए सेकंड ए फिर ऐसे होता है पहला, फिर उधर बी ग्रुप होता है। तो देखो जो पीरियोडिक टेबल में जाके देखो सेकंड ए ग्रुप कौन सा है, हाँ रेडियम जो है सेकंड ए ग्रुप का समूह है। अब आपको बताए अल्फा कण निकलेगा तो द्रव्यमान में 4 की कमी होगी, परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होगी, 2 की कमी होगी, मतलब जो भी बनेगा वह 86, मान लो यार रेडियम में लिख दें 222 बनेगा, जो भी मतलब यहां पे देखो जी -2 की परमाणु क्रमांक में कमी होती है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल परमाणु क्रमांक पे आधारित है, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे आधारित है, कौन बताएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा चेला क्या है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है, आवर्ती फलन होता है सर, भूषण कुमार, ठीक है। तो भाई साहब ये -2 की कमी हो गई, यानी ये इसमें था सेकेंड ए में, अगर एक की कमी होती तो फर्स्ट ए में आ जाता, लेकिन 2 की कमी हुई, तो आपको पता है लास्ट में शून्य संख्या होता है, शून्य, तो यह शून्य में चला जाए भाई, इधर जाओगे यस ग्रुप, यस ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में लास्ट में क्या होता है, शून्य वर्ग होता है, तो पीछे जा रहा तो फर्स्ट ए के बाद किस में जाएगा, शून्य में ही तो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए शून्य में चला जाएगा, जीरो में चला जाएगा, क्या होगा, जीरो में चला जाएगा गाइस। तो अब देखिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे, अगला क्वेश्चन जो है 90 थोरियम 234 की बात किया जा रहा है, यहां पे 90 थोरियम 90 थोरियम 234 जो है, 234 जो है 90 थोरियम 234 से बीटा कण उत्सर्जित होने पर प्राप्त पदार्थ, से बीटा कण उत्सर्जित होने पर प्राप्त पदार्थ कैसे हैं, जल्दी बताइए। मैं धीरे धीरे
सर आप गजब का शायरी बोलते हैं, कहाँ से लाते हैं? हम बताएंगे, तुम भी पहुँच जाओगे। तेरी आंखों का कमाल हमने जाना ही नहीं, तेरी आंखों का कमाल हमने जाना ही नहीं। एक रैप लिख रहा हूँ, जल्दी लाऊंगा रैप, बड़ा अच्छा मजा आएगा। उसका टाइटल ही है तेरी आंखों का कमाल हमने जाना ही नहीं। बी ऑप्शन सब जा रहे हो, पहले करके देखते हैं। बीटा कर का मतलब बीटा कर उससे निकल रहा है, इसका मतलब -1e0। मतलब जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, 90 परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि 91 हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? 91 हो जाएगा, प्रोटेक्टिनियम बनेगा। ठीक है, अब देखो 234 में कोई अंतर नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा, तो 91 पीए 234 जहां मिलेगा वही सही आंसर आपके लिए होगा। देखो अल्फा निकले, बीटा निकले, गामा निकले, मामा निकले, चाचा निकले, ताऊ निकले, फूफा निकले, सबका आंसर होना चाहिए अपने पास। क्या होना चाहिए? सबका आंसर होना चाहिए जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शिकवा, कोई शिकायत है तो बताइए, हमें तो नहीं है। हाँ, एटॉमिक नंबर में +1 विल बी इंक्रीजेस एंड एटॉमिक वेट विल बी रिमेन अनचेंज्ड। क्लियर? आगे चलते हैं जी, आगे चलते, लग रहा है चार चैप्टर ही खत्म हो पाएगा। अगला कह रहा है कि 92U, कहा अगला 92, जो 92U है, 92U 238 से क्या कर रहा है? एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नए तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्रमशः होंगे। हमने कहा कि जो 92U 238 है, से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर नए तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्रमशः होंगे। देखो 92 अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु भार में, परमाणु भार जो होगा तुम्हारा, पहले जो था उसमें 4 की वृद्धि, परमाणु भार कितना है 238, 4 की वृद्धि कमी, सॉरी 4 की कमी, 4 की कमी होगी तो ये हो जाएगा 234। परमाणु भार में 4 की कमी, अल्फा निकलेगा तो अब परमाणु क्रमांक क्या होगा इसका? परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है, यानी 92 हो जाएगा 90। तो 90 234, ये पहले ऑप्शन में दिख रहा है 90 234, यही करेक्ट होगा, यही मेरे साथी सही होगा। साथी का बताइए, ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जा तलू तो जा, लेकिन सेटिंग करा के इसका सेटिंग कराते हैं हम लोग, आ जाओ। कह रहा है कि गामा कीड़े की जो भेदन क्षमता होती है, भेदन क्षमता मतलब भेदने की, छेदने की, उसी को कहते हैं भेदन क्षमता। भेदने की या छेदने की, उसी को कहते हैं हम भेदन क्षमता, भेदन क्षमता। तो कहते हैं कि जो गामा कीड़ों की जो भेदन क्षमता होती है, क्या होती है जो भेदन क्षमता होती है? ए अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार के कीड़ों से अधिक होती है, बी अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार के कीड़ों से कम होती है, अल्फा कीड़ों से अधिक परंतु बीटा कीड़ों से कम होती है, अल्फा कीड़ों से कम परंतु बीटा कीड़ों से अधिक होती है। बताइए, देखो भेदन क्षमता तो सबसे ज्यादा गामा की होगी, गामा की होगी कि नहीं होगी? बताइए, जो भेदन क्षमता है सबसे ज्यादा होगी गामा की, तो गामा की सबसे अधिक होगी, फिर बीटा की होगी और सबसे कम होगी अल्फा की। तो गामा कीड़ों की जो भेदन क्षमता होती है, अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार के कीड़ों से अधिक, गलत। अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार के कीड़ों से कम, गलत। अल्फा कीड़ों से अधिक परंतु बीटा कीड़ों से कम, गलत। अल्फा कीड़ों से कम परंतु बीटा कीड़ों से अधिक होती है, दिस इज राइट आंसर। नहीं नहीं, ये भी सही नहीं है यार,
अरे ये कहाँ जा रहा है भाई, अल्फा किरणों से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल बीटा से अधिक होना चाहिए। लाइंस में कोई प्रॉब्लम है क्या? ध्यान दो जरा एक बार। यस। अरे ये पहला ही सही है यार, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, इसको गलत पढ़ दिए। यही सही है, देखो अल्फा बीटा से अधिक होता है, अल्फा से भी अधिक बीटा, सीधा मुंह इधर खुला है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, इन दोनों से अधिक है भाई। तो भाई पहला ऑप्शन ही सही होगा, क्या कहाँ जाना है, पहला ऑप्शन ही सही होगा। नहीं, बी नहीं होगा, किसने कहा बी होगा सर जी? नहीं, लकी बॉय इंद्रेश बी नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि दोनों से ही अधिक है। बिल्कुल, ड्रग्स माफिया। नहीं, माफिया आपके कहां साजर है जी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला कह रहा है, तीन अर्ध जीवन काल के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा का कितने प्रतिशत अंश शेष रह जाएगा? अगर तीन अर्ध आयुकाल हम लेते हैं, तीन अर्ध आयुकाल के पश्चात कितने किसी रेडियोएक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा का कितने परसेंट शेष रह जाएगा? सर जी बहुत अच्छा लगा क्लास, लेकिन मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूँ, प्लीज़ हेल्प कीजिए। बिल्कुल हेल्प है डियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्प ही हेल्प है। क्या है? हेल्प ही हेल्प है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, जब तक है जान, जब तक है जान। चले आगे। सब लोग गर्दा गर्दा कर दिए भाई आज तो। है देखो जी, कोई चीज मान लो 100% होता है ना, ध्यान दो, कोई चीज 100% होता है, ठीक है, हमारा जो देसी तरीका मैंने खोज के लाया वो समझो। कोई चीज 100% होता है, क्या होता है, कोई चीज 100% होता है। अब तीन अर्ध आयुकाल मतलब टी हाफ कितने हैं, यन बराबर टी हाफ, मतलब देखो यन बराबर दे रखा है, यन बराबर तीन, तीन अर्ध आयुकाल, तो पहले लगाते हैं जी। अगर एक लगाएंगे, एक अर्ध आयुकाल लगा दिया तो आपका 50% हो जाएगा, है ना। हम रूल जानते हैं कि एक अर्धायु काल के बाद क्या होता है, फिर एक और लगा देंगे यहाँ पे, तो 50 से 25 हो गया, तीन लगाना है हमें, एक और लगा देंगे तो भाई साहब 25 से 12.5 हो जाएगा। तो ये पूछा है कि प्रारंभिक मात्रा का कितने प्रतिशत अंश शेष रह जाएगा, 12.5%। क्या होगा, कितने प्रतिशत रह जाएगा शेष? बहुत इजी है, और मैं आपको बता दूं, आप उस जो फार्मूला है उससे करो, पूरा दिनवा बीत जाएगा, करते रह जाओगे, ठीक है, पूरा दिन बीत जाएगा, करते रह जाओगे। ओके है, क्लियर है? अगर तुम सही है, राइट सर ना, बिल्कुल। चार अर्धायु, अरे चार लगाओ तो 12.5 से उसका घट जाएगा, 6.25 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, इसमें बहुत आसान कर ले जाओगे, नो दिक्कत, नो टेंशन। ओके, अगला देखो, अगला, पहले तो कोई भी मैं चैप्टर वाइज जाके एप में जरूर पढ़ा करें, अल्फा कण क्या है? तो अल्फा कण इज अ नाभिक ऑफ हीलियम। अल्फा जो कण है भाई साहब, अल्फा कण है, हीलियम का नाभिक है, अल्फा कण हीलियम का, हीलियम का नाभिक है, हीलियम का नाभिक है, अल्फा कण जो है हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण क्या है? हीलियम का नाभिक है गाइस, अल्फा कण हीलियम का नाभिक है, क्लियर है? अल्फा कण क्या है? हीलियम का नाभिक है। तो दिस इज अ, कहाँ गया हीलियम, कहाँ गया बेदर्दी को प्यार का सहारा ना मिला, कहाँ गया बेदर्दी दिल को तड़पा के, Hg2+, Hg2+ होगा गाइस। ओके,
चलिए जी बात करते हैं 19 नंबर की। एक रेडियो एक्टिव स्रोत की जो अर्ध आयुकाल है ना, ठीक है, अर्ध आयुकाल है वह क्या है? देखिए स्रोत अर्ध आयुकाल 30 दिन है। क्या है? टी हाफ बराबर जो है वह 30 दिन है। 30 दिन है। 90 दिन के समय के अंदर परमाणुओं का अंश जो क्षय हो जाएगा 90 दिन समय के अंदर। देखो भाई साहब, अगर कैपिटल टी बराबर 90 दिन दिया है तो हम जानते हैं टी बराबर एन इंटू टी हाफ, तो टी हाफ निकाल लो कितना होगा, 90 में टी हाफ से भाग दे दो 30, कितने अर्ध आयुकाल होंगे, 3 अर्ध आयुकाल, एन बराबर 3, यानी 90 दिन में 3 अर्ध आयुकाल कंटेन करेंगे। क्या करेंगे? 3 अर्ध आयुकाल। तो के बाद क्षय कितना होगा? सेम वही क्वेश्चन है यार, 100% होगा, 100 से 50 होगा, 50 से 25 होगा, 25 से 12.5, तो 100 में से 12.5 बचा है तो 87.5% खत्म हो गया। आसान है, एक अर्ध आयुकाल एक यहाँ लगा एक यहाँ लगा, 90 दिन 30 दिन 30 दिन 30 दिन 90 दिन लगा भाई साहब। सीधे सीधे वहां पूछा था कितना बचेगा, तो 12.5% खत्म कितना हुआ, 87.5%, 87.5% खत्म हो गया। सही है, चला मामला सेट हुआ कि नहीं बताओ, ये मामला जो है आपका सेट हो गया। अब ये मुझे बताओ बाकी के क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लोगे क्या तुम लोग, बाकी के क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लोगे? जैसे निम्नलिखित समीकरण नाभिकीय संलयन को दर्शाता है, बताओ कौन दर्शाता है नाभिकीय संलयन को, फटाफट बताइए भाई। नाभिकीय संलयन का मतलब दो छोटे छोटे परमाणुओं का नाभिक का मिलना, मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण करना, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। हमने ये कहा छोटे छोटे, देखो 1H1 इसमें देखो कहीं होगा, जैसे 1H1 ये मिलके 1H2 बनाते हैं, प्लस ढेर सारा ऊर्जा भी देते हैं, ये एनर्जी भी देते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे नाभिक है ये मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण किए, क्लियर है? तो इसे ही तो नाभिकीय संलयन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है सर। मामला सेट हो गया है बट उसका बाप नहीं मान रहा, सोच रहा हूं बम से दगा दूं, क्या राय है आपकी? अरे गधा, हमारा राय ले रहा है गड़बड़ काम में, बकलोल कहीं का, सही काम में हमारा राय लीजिएगा। कह तो सर जी बोले थे, मस्तर बोला था फोड़ने के लिए, हमको फंसा देगा अपने चक्कर में, ठीक है सर। मेरा भी सुन लिया करो प्लीज, उत्कर्ष पाल जी बताइए, आपका ही सुन रहे हैं हम। यस मैं ओके, कोई दिक्कत? अब इसके जो बाकी क्वेश्चंस है आप कर लीजिएगा, जो भी इसके बाकी क्वेश्चंस है गाइस वह आराम से कर लोगे कि नहीं, कर लोगे ना कि करवाना पड़ेगा? हो जाएगा जी सर, अरे बोलो एक बार हाथ उठाओ, हो जाएगा कि नहीं? तनुजा वर्मा जी आप एक बार वीडियो को जाके, पहले तो जाके इस चैप्टर की थियरी देखना ऐप पे, हाँ ओके, पीडीएफ लगा हुआ ऐप में जी, कहीं और नहीं है, ऐप में लगा हुआ, ऐप में डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है ओके। तो ठीक है आज के लिए इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों को बोलो सब लोग ऐड करें, ज्वाइन करें फायर बैच, ठीक है, प्राइवेट क्लासेस एंजॉय करें। ये नंबर है आपका 96 21 94 80 25, ठीक है। एक और नंबर है 96 28 00 47 08, ओके गाइस, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट है, फिर मिलेंगे शाम को, ठीक है शाम को मिलेंगे 7 बजे, धुआं 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 करने। तो क्या तुम लोग आ रहे हो धुआं धुआं करने? बताना जरा नए क्वेश्चन कुमार अक्षय। यस गाइस, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे कल, टाटा बाय बाय।